जय भवानी सहकारी गृह निर्माण संस्था द्वारा मुंबई स्थित कांदिवली पूर्व में अब्दुल कलाम हॉल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों की समस्या को लेकर चर्चा हुई। सुदर्शन डेवलपर को लेकर लोगों का कहना था कि उन्हें काफी समस्याएं हो रही है, जो मीडिया के समक्ष रखी गई। इस दौरान मौजूद रहे जय तुलजा भवानी के अध्यक्ष राजेंद्र पाल, सेक्रेटरी दिवाकर परब। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां के निवासी भी उपस्थित रहे। देखे क्या कुछ कहना था मीडिया से। अभी क्या बताऊं, रात को हमको धमकी आया है, जो बैठा था ना बोरा, रात को 12 बजे आपको फोन करता है कि बिल्डर का पद्धति है रात को 12 बजे फोन करने का। नहीं करा करेगा, जमा करेगा तभी काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ने वाला। हर काम अभी लिखा पड़ी होगा, वकील जैसा बोलेगा वकील के मार्फत काम होगा, अभी इसके कहने में काम कोई होगा, समझ गए। और बाकी जितने बोला मेरा ऑपरेशन कराया है, अगर ये पैसा दिया है हमारा पूरा पैसा तो दिखा रहे, चेक दिखावे, कहे कभी बताओ पैसा कि हमको कहाँ से दिया पैसा। 10 लाख रुपया लगा है तो 1 लाख रुपया 50,000 दे देगा, उससे ऑपरेशन हो जाता है क्या? वैसे किया जाएगा ना, मंदिर तो बाहर रोड पर ही रहेगा ना। पहले था, चलो जैसा जमीन था, पहले पानी था उसमें, अभी उसको पाट करके मंदिर बनाया, उसके बगल में पाटते पाटते झोपड़ा बन गया, इसलिए पूरा भर गया। पहले वहाँ पर कोई रूम नहीं था, खड्डा था, कभी सुखता नहीं था। और जो भी इसने बोला है टोटल गुमराह किया है, इसको तो मालूम ही नहीं है काम कौन करने वाला है। ये तो पहले ही ना बोल दिया था, 2006 में हमने इसी से किया था, लेकिन इसने अपने बेटे को दे दिया और बेटा गुमराह करते करते 2 साल से भग गया। ये जो बोर आया एक साल पहले आया, हमने बोला जब तक बिक्की सर से नहीं बात कराओगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 1 साल हो गया बिक्की सर से बात नहीं कराई, हमने फिर सोचा चलो अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग का झोपड़ा कोई कुछ बिल्डिंग बनता नहीं है, इसलिए हम लोग सोचा दूसरा कोई बिल्डर रखें, इसलिए हमने मीटिंग रखा। हमारा मीटिंग नहीं होने दिया बीच में आके, बगैर बुलाए मेहमान, जैसे बगैर मेहमान बुलाए मेहमान आके कुर्सी बैठ गए बाजू। अभी ये कमेटी के साथ मैंने बात किया, क्या हो रहा है, कुछ होता है क्या, नहीं आजू बाजू वाला का बिल्डिंग हो रहा खड़ा हो रहा है, अपना क्या हो गया। जब ये अध्यक्ष और खजींदार मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा बात है कि दूसरे के पास जाओ ये करो वो करो, तभी ये लोग ने क्या किया, मेरे को लेके जाके दूसरा बिल्डर के पास साथ में बातचीत किया। बातचीत करने के बाद ये लोग ने, हम लोग ने लेटर बांटने की कोशिश की, कोशिश करने के बाद ये लोग ने फिर चालू हो गए, लोग का फोन आना वो जाना, किसी को धमकी देना, तुम आगे का बिल्डर का मत लेके आओ, मैं मीटिंग कर रहा है वो कर रहा है और साथ में है तुम्हारा साथ, और ये 17 साल से नहीं कि अभी 45 का ये मांग रहा है, अपनी उसी से नहीं होने वाला ये भी। हम नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अध्यक्ष को खाली रात को 12-12:30 बजे फोन करता है, और तुमको मिलने का है तो कमेटी में आके मिलो, जब भी बिल्डर का ऑफिस में जाएगा तो वो बोलता है कलकत्ता गया, कभी बोलता है दिल्ली गया। अभी हम लोग का संडे का टाइम रहता है, संडे को मिलने के जाता है तो वो बिल्डर नहीं मिलते है। अभी कभी बिल्डर का जरूरत है कि हम लोग को जरूरत है, उसने बिल्डर नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, और कभी बोलता है लंदन गया है, और हम लोग गली में मर रहे पानी के अंदर। अभी क्या सोच रहा है, जो आज भी मीटिंग हो गया अभी उसका भी भरोसा नहीं, क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है ये हम लोग को मालूम है। जो वाडेकर कमिटी और त्या लोकांनी जे धप्पा ठेवलं ते सर्व गलत है, ते 1.5 करोड़ 2 करोड़ कमिटी माइटला माझ्या पुढे काय झालेलं नाही, आम्हाला घरला घर पाहिजे, तिथे तुळजाभवानीचं मंदिर 1982 पासून मंदिर आहे, मंदिर माझं रोडवर पाहिजे, ते बी रोडची व्यवस्था पूर्ण चांगली, मंदिर डबल पाहिजे, मंदिरच्या पुढे एक दुकान पाहिजे, मला छोटंसं मांग आहे की हार फुल विकाला, एवढीच मांग आहे। बाकी ते कमिटीबद्दल जे सरदारनं बोललं ते गलत आहे, ते माझ्या पुढे साक्षीने मी सांगतो की माझं नाव राजू वाडेकर आहे, मी कमिटी मेंबर आहे, मी सल्लागार आहे, की तेवढा त्यांनी जे मुद्दा मोठा उचलला आहे ते उचलायची काय जरूरत नव्हती, तेवढं काय त्याला करायची गरज नव्हती, तेवढं काय त्याला बहिष्कार करायची गरज नव्हती। सरदारनं जे भी जे केलं ते चांगलं भी केलं ते वाईट भी केलं। नाही नाही आंदोलन करेंगे, और हम हायकोर्ट से लिख के लेंगे, हमारे पीछे आमदार है, खासदार है, सब कुछ है। हम बहुत होता है जो कि पेपर भी सबमिट होने के बाद जो फरार हो गया, उसे किस तरह से देखते हैं जब जो है। अच्छा वो फरार हो गया था, उनका घर वर्सावा में है, इतना मेरी जानकारी उनका बहुत बड़ा टावर है मालूनी चर्च में, उनका डेयरी है हिंदुस्तान नाके पे, सब घेरा डालेंगे हम लोग, पूरा मिलकर घेरा डालेंगे। दीपू ने सगा युग का हम नहीं होना चाहिए सर, जिस तरह
वो 45 दिन का हम लोग सोचेंगे फिर कमेटी तो क्या लग, तो अगर नहीं करते हैं तो कैसा रहा आपको क्या लेंगे तो वो निकाल लेंगे उनसे उनसे निकाल लेंगे हम फिर दूसरा ले लेंगे हम वो बिल्डर वो हमको नहीं चाहिए जो रूम ओनर है वो सामने आए जिसका जो होता है ना खून पसीने का जो कमाई लगी है वो आके करे और जिसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है जो अपात्र पात्र जो है उनको पात्र करवाना है 2006 के 2000 जो भी है अब तो फिलहाल जीआर 2000 फिलहाल 2011 का जीआर चालू हो गया है 2011 का जीआर चालू है वो सब हमको चाहिए ठीक है चलो शुक्रिया भाई सर क्या कहना चाहेंगे भाई ये हमारे ये सोसाइटी के बारे में मीटिंग हुई थी उन्होंने हमसे 45 दिन का 45 डेज का हमसे टाइम मांगा हुआ है जिस तरह से जो नए बिल्डर ने कुछ आप सब जो बोले हैं उन्होंने आप पे उसने कमेंट किया है वो कैसा लगता है जो एक बिल्डर आके ये इनकी दादागिरी है ये इनकी दादागिरी है तो क्या लगता है 45 दिन का मतलब कहाँ गया क्या लगता है डिसीजन क्या आएगा अरे हमने 2006 से लेके आज तक देखता है 17 साल हमने देखा है ये 45 भी हम देखेंगे लेकिन पेपर बनाने के बाद हाई कोर्ट से पेपर बनाने के बाद जब इसके बारे में जब हमको पेपर लाकर देगा वो उसके बाद हम उसको 45 डेज देंगे अगर 45 डेज में अगर वो नहीं होता है तो उसको उसको हम रफा दफा ऐसे कर देंगे काफ़ी बिल्डर है जो कि पेपर भी रेडी होने के बाद फरार हो जाते हैं तो किस तरह से देखते हैं इस बिल्डर तो हम बाउंड पेपर बना रहे ना कोर्ट से वकील से करवा रहे हाई कोर्ट से वकील करवा रहे वकील लिखा पढ़ी करके करवाएंगे हम हमको ना भरोसा नहीं है इन पर हाँ वकील के सिवा की सब कुछ करने वाले नहीं है वकील का पेपर आएगा तो ही हम इसको आगे काम करने देंगे नहीं तो हम सामने से कुछ सर्वे रुका देंगे अगर ये दादागिरी करते तो दादागिरी करने के लिए हम तैयार हैं मारामारी करने के लिए तैयार हैं जो भी बोलो हम वो करने के लिए तैयार है जो आपने मीटिंग में अभी देखा होगा आपने रिकॉर्डिंग किया होगा उन्होंने क्या शब्द बोला क्या नहीं आपने कैमरा भी घुमाएगा यहाँ पर लेडीज़ भी बैठी थी उनके सामने मैंने कम से कम इनको 10 बार पूछा आपने गाली दिया है नहीं दिया उन्होंने एक बार भी मेरे को बोला नहीं कि नहीं दिया जो कि गाली दिया जो कि कैमरे में और रिकॉर्ड भी हुआ है जो कि लगता है जैसे बिल्डर है मतलब कोई आप सब जो ये लुक्का है लुक्का लुक्का है लुक्का लुक्का ये बिल्डर नहीं है लुक्का ही है लुक्का ये लुक्का बिल्डर नहीं है ये इसके बेटे का प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है हमारे माँ बाप हमारा प्रोजेक्ट पूरा करते करते ऊपर चले गए हमारा भी एक प्रोजेक्ट था कि हम भी बिल्डिंग में जाके रहेंगे ये अपने बिल्डर अपने बेटे के स्वभाव के लिए आके हमसे बात कर रहा है गए संडे हम लोग ने मीटिंग रखवाने लगवाए थे बिल्डर का इसके वजह से लोग आए यहाँ पर नहीं तो 17 साल से इसका जो पीए है सीए जो भी है मैंने 10 बार उनको बोला भाई लेके आए इनको और हम बिल्डर से बात करेंगे किसी ने बोले ये जो बीच के जो ब्रोकर होते ना बीच के ब्रोकर होते ना ब्रोकर नेक्स्ट संडे इन्होंने मीटिंग रखा था हमारे 11 मेंबर ने जो सोसाइटी के 11 मेंबरों ने मीटिंग रखा था कि हमको बिल्डर काम नहीं कर रहा है ये ऐसा नहीं था कि नया बिल्डर आया नए बिल्डर के हमको ये करना है उन्होंने ये नहीं करवाने के लिए उन्होंने सिर्फ ये बुलाने के लिए ये बताने के लिए हमको सबको यहाँ पर बुलाया था कि बिल्डर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है ना हमारा 2 साल से फ़ोन उठा रहा है उसके लिए 2 साल से फ़ोन नहीं उठा रहा है हमको अब बिल्डर चेंज करना है क्या आपकी क्या राय है वो राय के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाया था वो मीटिंग की बदौलत आज ये मीटिंग हुई और ये हमारा बिल्डर जो है वो आ गया जो अपना ये जो मीटिंग है वो जो 2022 दिसंबर से जो कोर्ट का प्रॉब्लम चालू था वो ख़त्म हो गया है लोगों का काम चालू करने के लिए मीटिंग रखा हुआ है LOA IOD का प्रोसेस मैंने चालू कर दिया है 40 से 45 दिन के अंदर मैं काम करके देने को तैयार हूँ और इन लोगों को जो भी चाहिए वकील से लिख के वो वकील को लिख के देने को तैयार हूँ पहली बात ऐसा है 17 साल से कोई काम रुका नहीं है काम 17 साल से चालू है इधर 3K का प्रॉब्लम था पूरी दुनिया में जग जा ही रहे आप न्यूज़ वाले हो तो आपको पहला पता होना चाहिए 3K का क्या प्रॉब्लम है वो 3K का प्रॉब्लम चला कोर्ट कचहरी किया फिर 517 का प्रॉब्लम हुआ वो कोर्ट कचहरी किया और हमने वो पूरा किया है और अभी वो टाइम आ गया है काम चालू करने का कोर्ट का मैटर रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं
तो 17 साल काम बंद नहीं है, कंटिन्यू चालू है कोर्ट कचहरी में। हमारा वकील लगे हुए थे और आज रिजल्ट आया। बिल्डिंग बनाते मैं बिल्डिंग का मेरा दो दूसरे लोग बिल्डिंग बनाते मैं बिल्डिंग के साथ में मेरे चार बिजनेस अलग है। जो कमेटी के साथ नक्की होगा अपन मैं मंजूर हूँ। पैंतालीस दिन के अंदर काम हो जाएगा, लेकिन सोसाइटी मुझे कोऑपरेट नहीं करेगी तो 50 साल तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। 45 दिन के अंदर काम करूंगा, जो जो लेटर पत्र है सोसाइटी साइन करके मुझे देगी, मैं 45 नहीं 40 दिन में ख़त्म करूंगा। लेकिन 10 साल तक सोसाइटी गोल गोल घुमाएगी साइन नहीं करेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप समझो सर, मैं कौन बोला ब्लैक लिस्ट में? कोई भी ब्लैक लिस्ट में? अरे कैसे सवाल पूछ रहे, कौन बोला ब्लैक लिस्ट में? नाम ही नहीं है दूसरे। दूसरा बिल्डर क्या करता है मेरे को मतलब नहीं है। मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हुए टाइम फ्रेम में पूरे किए हैं। जिधर कोर्ट कचहरी है वो कोर्ट कचहरी के अंदर अटके हुए हैं, उधर रुक गए हैं।